दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें जानवरों से बहुत लगाव होता है और जो उन्हें पालना पसंद करते हैं, खेती में मदद के लिए, घर की सुरक्षा के लिए, अकेलेपन को भरने के लिए या जानवरों के प्रति ढेर सारे प्यार की वजह से। इनमें से कोई भी रीजन हो सकता है जब अपने परिवार में लोग किसी जानवर को जगह देते हैं। ज्यादातर तो कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय, भैंस, मुर्गी, तोता, घोड़ा, ऊंट, यही जानवर लोगों द्वारा पाले जाते हैं। मगर कभी कभी कुछ लोग अपनी बहादुरी दिखाने के लिए या फिर अपनी बेवकूफी के चलते बड़े और खूंखार जानवरों को पालतू बनाने का सनक भरा कदम उठा लेते हैं और उन्हें इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, इतिहास अब तक ऐसे कई मामलों का साक्षी रह चुका है जब किसी पालतू जानवर ने अपने ही मालिक को खा लिया हो, मार दिया हो या खतरनाक हमले कर दिए हो। आज के वीडियो में हम ऐसे ही दिल दहला देने वाली घटनाओं के बारे में बातें करने वाले हैं, जब जब कोई मालिक अपने पालतू जानवरों के मुंह के निवाले बने। ऑर्डर ऑर्डर, ध्यान भटकना गुनाह है। आपके एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आपको बस इतना करना है कि वीडियो को आखिरी तक देखना है। नंबर 10, बेर। हम सभी जानते हैं कि भालू कितना खतरनाक, ताकतवर और खूंखार किस्म का जानवर है। अब पता नहीं ये बात अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में रहने वाली 37 साल की केली एन वॉल्स नाम की महिला को सच क्यों नहीं लगती थी। इन मैडम ने एक 160 किलो के काले भालू को अपने घर में पेट बनाकर रखा हुआ था। मेरी तो इस बात की कल्पना करके ही कपकपी छूट रही है और ये मैडम उसे प्यार से टेडी बुलाती थी। कसम से यार, जाने कौन इन औरतों को अबला बुलाता है और क्यों? मुझे ये बात कभी नहीं समझ आई। वो और उनके हस्बैंड अलग अलग तरह के जानवर पालने का शौक रखते थे और उनके हस्बैंड तो एग्जॉटिक पेट डीलर भी थे। 2007 में ये बात भी न्यूज में आ चुकी थी कि उन्होंने अपने घर में लायन, कूगर, जैगवार, टाइगर, ब्लैक पेंथर, लेपर्ड और दो सर्वल्स पाल रखे थे। उन्हें वो दोनों ऐसे केज में रखते थे जिसे सेफ तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता था, यानी अनहोनी होने का डर हमेशा ही बना रहता था। अब इस लेडी को बहादुर कहूँ या बेवकूफ समझ नहीं आ रहा। साल 2009 में आखिर वो दिन आ ही गया जब ये खूंखार डर सच्चाई में तब्दील हो ही गया। केली भालू के केज की सफाई करने गई और उसे बगैर वहाँ से बाहर निकाले उन्होंने केवल थोड़ा खाना उसकी ओर फेंका और सफाई करने लगी। मगर भालू का मन आज ताजा इंसानी मीट खाने का था और फिर क्या था, उसने अपनी ही मालकिन पर हमला कर दिया। केली के बच्चे ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। इससे पहले कि एक पड़ोसी आकर भालू को गोली मारता, केली दम तोड़ चुकी थी। नंबर 9, टाइगर। ये घटना ताल्लुक रखती है अमेरिका के पाइन काउंटी से, जहां सिंथिया ली गैम्बल नाम की 52 साल की एक महिला को उनके पालतू टाइगर ने जिंदा चबा डाला। सिंथिया एक जानी मानी एनिमल ट्रेनर थी और अपने जीवन में उन्होंने कई खूंखार टाइगर्स को सीधा किया था। उन्हें जानवरों से बहुत प्यार था, खासकर टाइगर से। इसलिए उन्होंने एक बंगाल टाइगर को अपने घर में पाल रखा था जिसे वो पिंजरे में रखती थी। मगर साल 2006 में कुछ ऐसा घटा जिसके बारे में सिंथिया या उनके रिश्तेदारों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कई दिनों तक जब लोगों को सिंथिया दिखाई नहीं दी तो उनके रिश्तेदार और पड़ोसी लोग उन्हें खोजते हुए उनके घर तक आए और जब सभी जगह दूर तक ढूंढने के बाद भी सिंथिया नहीं मिली तो लोग उनके पालतू टाइगर के केज में उन्हें देखने पहुंचे और जो उन्होंने देखा उसे बरसों तक भुलाया नहीं जा सकता। उन्हीं के पालतू टाइगर ने उन्हें मार डाला था और बैठकर मजे से सिंथिया के अंगों को खा रहा था। जिस किसी ने ये मंजर देखा उसकी रूह कांप गई। एक शिकारी और खूंखार जानवर भले ही कितना ही ट्रेन क्यों ना हो जाए, उसकी बेसिक हैबिट्स कभी नहीं जाती और भूख लगने पर वो अपने मालिक को भी नहीं बख्शते। नंबर 8, पायथन। ये घटना साल 2008 में अमेरिका के वर्जीनिया में घटी थी। अमांडा रूथ ब्लैक नाम की एक 25 वर्षीय महिला एक पेट पैराडाइज के रेप्टाइल डिपार्टमेंट में काम करती थी और उन्होंने अपने घर में एक 13 फीट लंबा पायथन भी पाल रखा था जिसे वो प्यार से डियाब्लो बुलाती थी। एक दिन जब वो अपने इस पालतू सांप को दवाई देने के लिए इंजेक्शन लेकर पहुंची तो पता नहीं कैसे पायथन पिंजरे से बाहर आ गया और अपनी मालकिन पर हमला कर दिया। जब उनके हस्बैंड घर पहुंचे तो ये सब देखकर सख्ते में आ गए। पिंजरा खाली था और सांप उनकी बीवी के गले के चारों तरफ लिपटा पड़ा था। अमांडा दम घुटने के वजह से अपनी जान गवा बैठी थी। नंबर 7, हिप्पो।
ये कहानी एक साउथ अफ्रीकन आदमी की है जिनका नाम था मॉरियस एल्स। वो 40 साल के थे और आर्मी में मेजर थे। साल 2005 में उन्होंने एक नदी में बाढ़ आने पर डूब रहे हिप्पो के एक छोटे से बच्चे को बचाया था और फिर वे उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगे। देखते ही देखते हिप्पो केवल 6 सालों में 1000 किलो से भी ऊपर का हो गया था। दोस्तों और रिश्तेदारों ने एल्स को बहुत समझाया कि ये जानवर खतरनाक है और इसे अब तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहिए, मगर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। वो इस हिप्पो को अपने बच्चे की तरह मानते थे। उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि ये विशालकाय जानवर उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। साल 2011 में वो दिन आखिर आ ही गया जिसका सबसे ज्यादा डर था। मॉरियस एल्स की लाश उसी नदी में मिली जहाँ उन्होंने हिप्पो के बच्चे को बचाया था। उनकी बॉडी पर ढेर सारे घाव के निशान थे और पुलिस तहकीकात में ये साफ हो गया था कि हिप्पो ही उन्हें पानी में घसीट कर ले गया था और उसने ही मॉरियस एल्स की जान ली। नंबर 6, लायनेस। ये घटना साल 2020 में साउथ अफ्रीका में घटी थी। 69 साल के वेस्ट मैथ्यूसन यहाँ एक सफारी लॉज के मालिक थे और उन्होंने 2 सफेद शेरनियाँ पाल रखी थी। वेस्ट कई सालों से उनकी देखभाल कर रहे थे और उन्हें अपनी शेरनियों पर पूरा भरोसा था। एक दिन रूटीन के मुताबिक वे अपने शेरनियों को घुमाने ले गए और अचानक शेरनियों का मूड बदल गया। उनमें से एक शेरनी ने बिना किसी वार्निंग के सीधे अपने मालिक पर हमला कर दिया। इस हमले में वेस्ट बुरी तरह से घायल हो गए और आखिरकार उनकी मौत हो गई। इससे पहले भी ये शेरनियां पड़ोसियों पर हमला कर चुकी थी और उनकी जुबान पर इंसानी खून का स्वाद लग गया था। इसलिए इन शेरनियों की चपेट में एक दिन उनका मालिक भी आ गया। इसलिए ऐसे खतरनाक जानवर सिर्फ जंगलों में ही अच्छे लगते हैं। इन्हें पालना अपनी जान को जोखिम में डालने जैसा है। नंबर 5, कैमल। कैमल एक बहुत ही शांत जानवर होता है और आसानी से किसी पर हमला नहीं करता, मगर ऐसी भी घटनाएं हो चुकी है जब कैमल ने अपने मालिक की हत्या कर दी। ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में रहने वाली पैम वीवर नाम की महिला की। साल 2007 में पैम को उनके हस्बैंड ने उनके 60th बर्थडे पर गिफ्ट के तौर पर एक ऊंट का बच्चा दिया था। पैम उसे बहुत पसंद करती थी और उसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखती थी, मगर करीब 10 महीनों बाद एक दिन जब पैम ऊंट के अहाते में सफाई के लिए गई, तो ऊंट अचानक से बिगड़ गया और उत्तेजित हो गया। उसने अचानक पैम पर हमला कर दिया और उनकी छाती पर अपने मजबूत पैर रख दिए। पैम की सांस फूलने लगी और उन्होंने वही दम तोड़ दिया। नंबर 4, लामा। ये घटना थोड़ी सी अजीब है क्योंकि यहाँ एक मालकिन की मौत हुई तो उसके पेट की वजह से ही है, मगर पेट ने अपनी मालकिन को जानबूझकर नहीं मारा। ये लामा है। भेड़ों की तरह दिखने वाला ये जानवर साउथ अमेरिका का एक पालतू पशु है। ये घटना ओहायो में साल 2012 में घटी थी जब फ्लोरेंस लानाहन नाम की एक महिला अपने घर आई थी। फ्लोरेंस एक एनिमल लवर थी और उन्होंने कई सारे जानवर पाल रखे थे। नहीं, उन्होंने कोई भी खतरनाक जानवर नहीं पाला था, मगर शायद उनकी किस्मत में अपने पेट के हाथों मरना ही लिखा था। जैसे ही वो एक दिन अपने घर आई, उनकी एक पालतू लामा जिसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से बेबी डॉल रखा था, खुशी से उनकी ओर दौड़ी, मगर घास पर उसका पैर फिसल गया और वो जाकर सीधा अपनी मालकिन पर गिर पड़ी। इस अचानक हुई घटना से फ्लोरेंस को हार्ट अटैक हो गया और उनकी मौत हो गई। होनी को कोई नहीं टाल सकता। नंबर 3, डॉग। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो जानवर सोशल होते हैं ज्यादातर पाले जाते हैं और जिनसे कोई खतरा नहीं रहता, वो भी अचानक वायलेंट हो जाते हैं और अपने मालिक की जान ले बैठते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ जब एक कुत्ते ने अपने मालिक की जान ले ली। ये घटना 2017 में भारत के पानीपत में घटी थी। 52 वर्षीय मणिराम जी एक फार्म के केयरटेकर थे और वहाँ कुत्तों का ख्याल रखा करते थे। एक दिन वे फार्म पर आए और टाइगर नाम के अपने एक कुत्ते को खोलने लगे। जैसे ही कुत्ता आजाद हुआ, उसने मणिराम जी पर हमला बोल दिया और उन्हें अगले एक घंटे तक नोच नोच कर खाता रहा। जब तक पुलिस वहां आती बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने 4 घंटे की बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार टाइगर को पकड़ तो लिया, मगर मणिराम जी को बचा नहीं पाए। नंबर 2, कैट। कैट यू तो बड़ी प्यारी जानवर होती है और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली पेट भी, मगर ऐसा भी हुआ है जब बिल्ली ने अपने मालिक को ही जान से मार दिया। ये घटना घटी थी इंग्लैंड के हैम्पशायर में साल 2013 में, जब 56 साल की जैनेट व्हील नाम की महिला को उनकी पालतू बिल्ली ने खा लिया था। जब कई दिनों तक पड़ोसियों ने जैनेट को घर से बाहर निकलते नहीं देखा, तो उन्हें शक हुआ
और उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई तो वहाँ का मंजर देख कर उनके होश उड़ गए। जैनेट अपने किचन के फर्श पर मरी पड़ी थी और उनकी प्यारी बिल्ली उन्हें मजे से खा रही थी। नंबर वन, मॉनिटर लिजर्ड। ये घटना है साल 2002 की, जब अमेरिका के रहने वाले 42 साल के रोनल्ड हफ नाम के एक व्यक्ति ने बड़ी जंगली छिपकली यानी कि मॉनिटर लिजर्ड पालने का बेवकूफी भरा डिसीजन लिया। रोनल्ड एक बहुत बड़े एनिमल लवर थे और उन्हें जानवरों से बड़ा प्यार था। इसी प्यार और भरोसे के चलते उन्होंने कुछ अलग और स्पेशल करने का मन बनाया और एक छोटी सी मॉनिटर लिजर्ड को अपने घर ले आए। बता दूं, ये छिपकली साइज में इतनी बड़ी हो जाती है कि आपके 6 फीट के बिस्तर पर भी पूरी तरह नहीं समा पाती। साथ ही ये बहुत जहरीली और खूंखार किस्म की रेप्टाइल होती है। मगर फिर भी रोनल्ड ने पता नहीं किसे क्या साबित करने के चक्कर में इस आफत को अपने घर लाकर पालतू बना लिया। वो अक्सर उसे अपने साथ अपने घर के बगीचे में घुमाया करते थे। मगर एक बार जब कई दिनों तक रोनल्ड अपने घर से बाहर नहीं निकले तो पड़ोसियों को शक हुआ। जो व्यक्ति रोज एक शैतान लेकर बगीचे में आ जाता है, अचानक से उसने घर से बाहर निकलना बंद क्यों कर दिया? इसलिए पड़ोसियों ने पुलिस को फोन लगाया और जब पुलिस आई और घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो उन्होंने वो भयानक नजारा देखा जिसे वो लोग सदियों तक नहीं भुला पाएंगे। रोनल्ड अपने घर में खून से लथपथ पड़े थे और उनकी पालतू छिपकली उन्हें जिंदा ही नोच नोच कर खा रही थी। ये नजारा सचमुच दिल दहला देने वाला था। तो ये थी कुछ चुनिंदा घटनाएं जब एक पेट ने अपने ही मास्टर की जान ले ली। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि इन घटनाओं में से सबसे खतरनाक घटना आपको कौन सी लगी जिसने आपको अंदर से हिला दिया। और साथ में ये भी बताइएगा कि क्या आपको जानवर पालने का शौक है? अगर है तो आपने कौन सा जानवर पाल रखा है, उसका नाम क्या है? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।